हाँ जी जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होर किस तरह हो, आस करदी हाँ कि सब ठीक ठाक होवोगे। असी जिदा साडा सिख धर्म है ना, साढ़े गुरु नानक देव जी, साढ़े गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने सानू कहा कि गुरु ग्रंथ साहब जी साढ़े गुरु हैं, उही साढ़े सब कुछ हैं। इस तरह हिंदू धर्म विच भी जे नारायण जी है ते शिव जी है ते ओ भी इस तरह ही कहिंदे आ कि अगर तुसी सानू ध्याओगे तां ते असी जिस तरह का फल देना है वो जो साढ़े द्वारा ही पैदा किए देवते हैं उन्होंने देवत्यां का ही फल मिलेगा। जो सानू सीधे ध्यान के असी उन्होंने अपना फल देवे। इसलिए मैं कुछ कहानियां हिंदू धर्म के नाल संबंधित हैं। इस तरह कभी ना करया करियो, कोई देखो सारे धर्मों के विच सारी तरह के लोग होए है ना। साढ़े सिख धर्म के विच जिदा गुरु जी नू 33 तवी के बिठालन वाले विच साढ़े थोड़े अपने लोगों का भी ज़्यादा सी, उन्होंने ब्रदर का, भरा का, पेठी चंद का, चंदू का, मुसलमान तो है गे है। कई मुसलमानों ने देखो कितनी मदद की सी, कितना है ना, मतलब इंसान कोई बुरा नहीं हुंदा हैगा, धर्म कोई बुरा नहीं हैगा। इंसान अगर अपनी आई टी आ जाए किसी भी धर्म को तलकत करता हो बुरा, उन्हें बुरा बनना ही बनना है। तो उस धर्म को लाज लानी लानी है, जिस तरह औरंगजेब ने लाई है ना, जहांगीर ने लाई। तो इस तरह मैं थोड़ी एक कहानी सुना लगी, स्वंबर और नारद मुनि। एक राजे की लड़की का स्वंबर सी। पहले लोग स्वंबर ही इस तरह करते सन जिदा राजे महाराजे। नारद जी जो कि तुसी जानते हो सारे भगतों विच श्रोमणी कहलाउंदे हन, भगवान विष्णु अगे प्रार्थना की, मैनू सोहना जिहा मूँह दिओ, मैं फलानी लड़की दे स्वंबर विच जाना है। तो भगवान ने ख्याल किया कि एक काम बास ना हो जाए तो उन्होंने बांदर का मूँह दे दिता। जिस वक्त बर चुनन का समा आया, लोगों ने पिछा हटा के अगे आ खड़ा होया कि कन्या मेरे गल विच हार पाए। वो लड़की अगे लंघ गई। दिल विच ख्याल आया शायद उसने देखा नहीं, लोगों फिर धक्के मतुक्के मार के फिर अगे हो गया तो जाके खलोता। तो उस वेले किसी ने कहा घड़ी घड़ी टपदा क्यों, शीशे विच अपना मूँह तो देख। नारद जी ने देखा ही ना सजदा ना अपना मूँह शीशे। उन्होंने जिस तरह भगवान तो मंगिया बर लैन लई, राजे की लड़की ने ब्याह कराने लई, उस तरह ही उन्होंने चले गए। तो उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं की, कोई देखा नहीं, तो ना ही उन्होंने पता से भी मेरे मूँह तो बंदर का मूँह लाता। विष्णु भगवान ने ता लाया से कि दुनिया में इस तरह भटक ना जाए, फिर इन दुनिया ही प्यारी ना हो जाए। तो जो मूँह उन्होंने देखा तो अपना नारद ने तो बंदर का मूँह, तो जल भुज गया। फिर भगवान को नारद जी कह लगा मैं तैनू श्राप दे देंगा। विष्णु भगवान के मैनू श्राप मंजूर है पर मैं अपने भगत नू गराना नहीं चाहता। मन बड़िया बड़िया नू गरा दिंदा है पर भगवान अपने सेवकों की संभाल करता है। इसलिए भगवान ने तो उसके फायदे लिए किया सी, अगर जे उन्हें सोहना मूँह ला तो उस राजे की कुड़ी ने उसनू चुन लेना सी ना। तो भगवान उन्हां लोकां नूं ही, मैं थोनों अगे भी दसिया, अगर थोनों कई थोनों चंगे काम करदिया करदिया तो कोई दुख आते हैं, परमात्मा थोनों बहुत ही फिर प्यार करता हुंदा है। वो अपने नाल लाना चाहुंदा है, थोनों अपने नाल रखना चाहुंदा है, थोनों अपने अपने विच समाना चाहुंदा है। इसलिए घबराया ना करो, बहुत दुनिया ते तकलीफां आंदियां, क्या मेरे ते नहीं आंदियां? बहुत आंदियां है, है ना। पर जो इंसान दिल छड गया जा आत्महत्या जिसने कर ली तो उन्हें नाल तो कोई फायदा नहीं होना। इसलिए रब साडे लिए जो भी करता है वह बढ़िया ही करता है, कदे भी घबराना नहीं तुसी। तो मैं थोनों ऐसे तरह दी छोटिया छोटिया कोई भी धर्म के नाल तअलकत होवे, जिन्हें भी होगे पीर फकीर
ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਅੱਗੇ ਟੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਿਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਂ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਹਿ ਲਈਏ, ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।